नमस्ते दर्शक मित्रों, आयोलिंक वीडियो चैनल प्रोग्राम का नाम है पांचवा भेद और आज हम बात करेंगे साल भर कैसे निरोगी रहे। अब जब साल भर की हम बात करते हैं तो कोई एक नुस्खा तो होता नहीं, कोई एक चीज ऐसी नहीं है कि पूरा साल भर आपको खुश रखे या निरोगी रखे। तो हमारे हिंदू धर्म में, हिंदू कैलेंडर में हमने 6 ऋतुओं का वर्णन किया है और 12 महीने का हमारा अपना नाम है। तो अपने जो हिंदू नाम है वो कैलेंडर मंथ के हिसाब से कई सारी चीजें हमें दोहा या छंद के हिसाब में ज्ञान दिया गया है। हमारे पूर्वज बहुत बुद्धिशाली थे, इन्होंने कई सारी चीजें मार्क की थी, कौन से महीने में किस चीज को लेने से हेल्थ बनती है या किस महीने में किस चीज लेने से मांदगी रहती है या बीमारी बनती है, वो सब जानकारी इन्होंने छोटे से छंद या दोहा या कविता के फॉर्म में हमें दिया है। और वो जो नॉलेज है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, छोटी छोटी बातें हैं, इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो हिंदू धर्म के हिसाब से हम पहले जो बात करते हैं तो पहला मंत्र रहेगा कार्तिक। कार्तिक में हम जब मूली खाते हैं, ये जो मूली खाने की बात है वो कार्तिक महीने में फायदेकारक है। दूसरा महीना रहेगा कि माघशीष में तेल का उपयोग करो, ठंड की ऋतु है अगर, और आप जानते हैं कि उसमें अगर तेल वगैरह यूज करते हैं तो थोड़ा बहुत भी काम करेगा। फिर उसके बाद आएगा पोष, पोष में दूध लेने से फायदा है। उसके बाद रहेगा माघ महीना है, माघ में घी और खिचड़ी का सेवन किया जाता है। ये सब जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ वो चीजें आपको हेल्थ बनाने के लिए काम की चीजें हैं। उसके बाद आएगा फाल्गुन, फाल्गुन में सुबह उठकर जल्दी स्नान करने को बोला है। अब हर महीने में क्या बोला है, क्या करना है, उसके पीछे कई सारे तर्क है, कई सारे लॉजिक्स है, वो भी हमें समझना पड़ेगा। फाल्गुन के बाद आता है चैत्र, चैत्र महीने में आपको सबको मालूम है गुड़ी पड़वा की बात है, महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा एक सीजन है, नीम का बहुत इम्पोर्टेंस बताया है, तो चैत्र महीने में नीम का सेवन करना जरूरी रहता है। चैत्र के बाद है वैशाख, वैशाख में चावल की बात है, चावल लीजिए, भात लीजिए और जितना ले सकते हैं उससे गुणकारी रहेंगे, शरीर निरोगी रहेगा। ज्येष्ठ है उसमें दोपहर आराम करने को बोला है, ज्यादातर आयुर्वेद में मना किया है दोपहर को नींद नहीं लेनी है, लेकिन पर्टिकुलर ये टाइम में, ये मंथ में दोपहर का आराम बोला है। उसके बाद श्रावण महीना है, अभी जो मानसून की सीजन चल रही है उसमें श्रावण महीना मानसून की सीजन में आएगा, तो हमेशा मंदाग्नि रहता है। हर धर्म में उपवास की बात आती है, जो ये 4 महीना जो रहते हैं तो उपवास 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 हर धर्म में है, तो श्रावण महीने में उसमें हरण लेने की बात है। हरण लेने से पेट साफ रहेगा और अग्नि को भी ठीक रख पाएंगे। श्रावण के बाद रहेगा भाद्रपद है तो उसमें चीमक, और लास्ट में रहेगा अश्विन, आश्विन महीने में अगर आपने गुड़ खाया। तो ये सब चीजें मिलाकर 11 महीने की उन्होंने बात की। फिर बाद में लास्ट में बोलते हैं कि अगर ये 11 चीज आपने खाई ठीक से हर महीना तो आषाढ़ में आपको डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है। मतलब 11 महीने आपने हेल्दी निकाले तो आषाढ़ अपने आप आपका हेल्दी निकल जाएगा। कितनी मजेदार बातें है, छोटी छोटी है, ऐसी नेगेटिव बात का भी लिस्ट बनाया है, एक नेगेटिव लिस्टिंग भी है कि जैसे कि कार्तिक महीने में लस्सी या छाछ दही का उपयोग अगर कार्तिक में करेंगे तो बुरा असर होगा, तो ये नहीं करना चाहिए। माघशीष में है तो जीरा या क्यूमिन, अब जीरा को हम बोलते हैं कि ये तो मंदाग्नि के लिए बहुत अच्छी बात है, जीरा पित्त का शमन करता है, लेकिन माघशीष में ना बोला है कि नहीं माघशीष में जीरा नहीं लेना है। पोष में धनिया लेने का मना किया है। अब ये जीरा धनिया तो हम रेगुलर किचन में यूज करते हैं, किचन रेसिपी में हमारे कुजिन का पार्ट है, लेकिन ये महीने में उसका उपयोग कम करिए। माघ में मिश्री या शुगर खांड, मिश्री या खांड को जितना हो सके उतना माघ महीने में कम उपयोग में लीजिए। फाल्गुन में चने नहीं खाते, चने खाने से बीमारी होती है, वायु का एग्रीवेशन होना है, तो इसलिए फाल्गुन महीने में चने की मना की है। चैत्र महीने में गुड़ मना किया है। अब नॉर्मली गुड़ को क्यों मना करते हैं, तो उसके लॉजिक तो होंगे, तो लॉजिक के हिसाब से चैत्र महीने में नीम बोला है, कड़वा टेस्ट बोला है कि आप लोग कड़वी चीजें खाने से जो चैत्र महीने में फायदा रहेगा, पित्त का शमन होगा,
वो उसकी ओपोजिट है, कड़वे रस की ओपोजिट, तो शुगर या गुड़ की मना की है। वैशाख महीने में तेल नहीं लेना चाहिए और उसके बाद रहेगा ज्येष्ठा में राई नहीं लेना है, तो मस्टर्ड सीड जो है वो ज्येष्ठ महीने में लेने की मना की है उन्होंने। फिर आपको आषाढ़ में बीला, बिल्व फ्रूट जो बीला बोलते हैं, बिलू का फ्रूट रहता है, तो वो बिल पत्र या बिलू फ्रूट नहीं लेना है। और उसके बाद श्रावण में सब्जियां, हर एक प्रकार की लीफी वेजिटेबल्स। आगे भी मैंने बताया कि जैसे श्रावण महीना जो रहता है उसमें उपवास का महत्व है, वहां पर अग्नि मंद है, तो इसीलिए यहाँ पर लीफी वेजिटेबल्स को लेना मना किया, क्योंकि लीफी वेजिटेबल्स पचने में बहुत हैवी रहती है और जब आपका अग्नि मंद हो तो आपको नहीं लेना चाहिए। फिर भाद्रपद में दही लेने को मना किया। पित्त का ही सीजन है ना, भाद्रपद हमेशा पित्त की सीजन है। अगर भाद्रपद में आपने दही लिया, मूली ली, गाजर ली, भिंडा खाए, ऐसी कोई चीजें आपने भाद्रपद में ली जो पित्त का बढ़ावा करती है, तो वो आपको नुकसान करने वाली है। और लास्ट में अश्विन में करेला नहीं खाना चाहिए। तो ऐसी नेगेटिव लिस्ट भी हमारे लोक जो साहित्य है, ये सब लोक साहित्य से, डेफिनेटली इसको हम आयुर्वेद का लेबल नहीं लगाएंगे, लेकिन फोक मेडिसिन है और फोक मेडिसिन हजारों वर्षों तक और लाखों लोगों को अप्लाई करके ये चीजें बनी है। तो ये टाइम टेस्टेड ये सब नॉलेज है, आपको भी ये नॉलेज होना चाहिए, समझना भी चाहिए, ताकि आप पूरे साल भर हेल्दी रह पाओ। ऐसी कई सारी इंटरेस्टिंग बातें लेकर फिर से हम हाजिर होंगे नेक्स्ट वीक। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।